हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश एंड यू आर वाचिंग फिट लाइफ विद अंकुश। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील की। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर फैट लॉस, फॉर मसल बिल्डिंग एंड फॉर मेंटेनेंस, राइट। सो जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आई विल कीप ऑन टेलिंग यू गाइस कि ये चीज़ें नॉर्मली मैं करता हूँ, और इसमें अगर आप इसको ऐसे चेंज करेंगे देन इट विल बी यूज्ड फॉर फैट लॉस, इसको ये चीज़ ऐड करेंगे तो दैट विल बी यूज्ड फॉर मसल बिल्डिंग एंड सो ऑन, राइट। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दो मील्स की, मील नंबर वन एंड मील नंबर टू, विच इज़ प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट। सो प्री वर्कआउट मील भी दो तरीके की है। फर्स्ट, जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं उनके लिए, एंड जो शाम को एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं उनके लिए। अब इनमें एक डिफरेंस है, बिकॉज जब हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल इंटायरली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जब हम शाम को एक्सरसाइज करते हैं। बिकॉज जब हम शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें दिन भर का काम, खाना पीना सारा कुछ एडेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्री वर्कआउट मील की जब हम सुबह करते हैं। सो आई एम द वन हु प्रेफरेबली यू नो डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना पसंद है। सो उसके लिए मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज इज ब्लैक कॉफी, राइट। सो ब्लैक कॉफी अगेन इट्स अ फुल सोर्स ऑफ कैफीन, सबको पता ही है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं फटाफट बता दूं, आधा कप पानी गर्म कीजिए, उसमें कॉफी का पाउच डालिए एंड आपकी ब्लैक कॉफी रेडी, राइट। सो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैफीन, एक कैफीन है, एकदम से हमारी आंखें खोल देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, जिससे कि हम कह दिए सुबह उठे हैं तो जो सुस्ती होती है या जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, किक स्टार्ट चाहिए होता है वर्कआउट के लिए, वो हमें मिल जाता है, राइट। सो कॉफी इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज सब ऑल्सो प्लानिंग टू माई वर्कआउट आफ्टर दिस। सो मैं सोच ही रहा हूँ कि साथ के साथ खा पी लूँ, बाकी सुर सुर करके पीने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो हमारी अगली चीज़ है दैट इज काले चने, राइट। सो आप देख सकते हैं काले चने, इनको मैं रात को पानी में भिगो के रख लेता हूँ एंड सुबह आई ईट अराउंड 20 to 25 यू नो पीसीज ऑफ दिस काले चने। ये काले चने हमारे मसल बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिनका वेट कम है इट हेल्प्स देम टू ग्रो मसल्स, राइट। और सबसे बड़ी खासियत जो इनकी है वो ये है कि जब भी एक्सरसाइज करते हैं हमारी जो सांस फूलती है, स्पेशली बिगिनर्स या जो मोटे लोग होते हैं, जैसे ही हम इनको कंज्यूम करना शुरू करते हैं ऑन डेली बेसिस, जो हमारी सांस फूलती है वो कम फूलनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, आपको जो सांस लेने की प्रॉब्लम आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। I'm using this from last 8 years and मैंने बहुत लोगों को recommend किया है and मुझे आज तक कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिली जिसके ऊपर ये चीज़ काम ना की हो। सो गाइज, दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड वे। सो अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या आपकी सांस जल्दी फूल जाती है, सो गो हैड एंड ट्राई दिस इन एंड एड दिस इन योर प्री वर्कआउट मील, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, नेक्स्ट इज बादाम। आई डोंट थिंक सो मुझे इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत है, एवरीबडी नोज हाउ बेनिफिशियल, हाउ गुड बादाम आलमंड्स आर, रिच सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, राइट। सो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो कंज्यूमिंग 5 to 6 बादाम्स इन द मॉर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी, राइट। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारे पास दो हैं, इसमें आंवले का मुरब्बा, राइट। लेट मी शो इट टू यू, आंवले का मुरब्बा एंड दिस इज बेल का मुरब्बा। सो गाइस, मुरब्बा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, बट स्टिल गर्मियों में मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली बेल का मुरब्बा। रीज़न बीइंग, गर्मियों में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी के अंदर गर्मी होनी शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है, हमारी बॉडी पे पिंपल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गर्मी निकल रही है। सो बेल का मुरब्बा इज़ वेरी वेरी गुड टू ओवरकम ऑल दीज थिंग। अगर आप बेल का मुरब्बा कंसिस्टेंटली कंज्यूम कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में गर्मी नहीं होने देता, ये आपकी बॉडी में पिंपल्स होने से बचाता है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। सेम आंवले का मुरब्बा, आंवला वी नो वी इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, आपकी आई साइड में हेल्प करता है, जॉइंट्स आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, सियाने आंदा क्या ते औले आंदा खादा बाद काम आंदा होंदा, दैट सेज इट ऑल, कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है टू मेक आर जॉइंट एंड बोन्स एंड आई साइट एंड मेनी अदर थिंग्स टू देयर ऑप्टिमम लेवल, राइट। सो गाइस, ये थी हमारी प्री वर्कआउट मील।
मॉर्निंग के टाइम की। अब जब हम शाम की बात करते हैं तो शाम के बाद हमारा जो बॉडी लेवल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो यू कैन इंक्लूड दीज थिंग्स। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि हम सुबह उठे हैं, हमारी बॉडी ने कुछ नहीं खाया, एंड देर आर हाई चांसेस दैट हम इसके इमीजिएटली बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है सुबह के टाइम। किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने कहीं जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, राइट? सो इसलिए हमें एक हल्की फुल्की चीज़ चाहिए और साथ में हमें चाहिए कॉफ़ी जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे। अगर हम बात करें शाम की, तो जो शाम के टाइम प्री वर्कआउट मील होनी चाहिए उसमें यू कैन ऐड बनानास, यू कैन ऐड पीनट बटर ऑन ब्रेड, यू कैन ऐड सम अदर फ्रूट्स एज वेल। बट अब उसमें क्या है, शाम के टाइम एक्सरसाइज से पहले जो लोग गलती क्या करते हैं, एक्सरसाइज के बिल्कुल पहले कंज्यूम कर लेते हैं गाइस बनाना, पीनट बटर, ब्रेड और एनी अदर फ्रूट और इवन गन्ने का जूस और कुछ और अगर आप एज अ प्री वर्कआउट मील यूज़ करते हैं, दीज आर हैवी थिंग्स। इनको डाइजेस्ट होने में टाइम चाहिए। हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, भगवान ने बनाया है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर आप उसको वो टाइम नहीं देंगे वो आपके पेट के अंदर ही घूमता रहेगा। तो आई वुड रिकमेंड अगर आप कुछ भी खा रहे हो जैसे स्पेशली बनानाज एंड पीनट बटर, तो कम से कम 1 घंटा पहले वर्कआउट से खाइए ताकि आपकी बॉडी के पास अच्छे 1 घंटा हो अच्छे से उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी एनर्जी को आपके वर्कआउट में यूज़ करने के लिए। मैंने देखा है लोगों को एक्सरसाइज करने से पहले जिम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बनाना खा रहे होते हैं, पीनट बटर खा रहे होते हैं। गाइस उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो अभी आप खा रहे हो, जब तक वो आपके पेट में पहुंचेगा आपकी आधी एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी, राइट? इट्स नॉट लाइक कि पेट में गया, प्रोसेस हुआ, खत्म। 2 मिनट की गेम नहीं है, इसको घंटा, इसको 40, 45, 50 मिनट, 1 घंटा लगता है, राइट? तो आपको बॉडी को उतना टाइम देना पड़ेगा ताकि एज अ प्री वर्कआउट मील आप जो भी खा रहे हो बॉडी उसको यूज करके उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर सके, राइट? तो अभी मैं फटाफट अपना वर्कआउट भी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट में हम क्या क्या खा सकते हैं। टिल दैट टाइम आप इंट्रो देखिए और कॉफी पीजिए। ओके, वेलकम बैक गाइस। नाउ आई हैव डन माय वर्कआउट, सो वर्कआउट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अगर जिस आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर उसका लिंक आ रहा है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन डू द सेम वर्कआउट। सो वो वाला सर्किट वर्कआउट एक मैंने कंप्लीट कर लिया है, सो आई हैव डन 2 सेट्स ऑफ इट, राइट? सो पहले सेट में मुझे टाइम लगा 12 मिनट अराउंड 20 सेकेंड, एंड सेकेंड सेट आई कम्प्लीटेड इन 13 मिनट्स। सो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे ही हम 12-13 मिनट में ये कंप्लीट कर लें या 15 मिनट से कम में कंप्लीट कर लें तो वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आप बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की, बट उससे पहले क्विक थिंग अबाउट प्री वर्कआउट मील। मैंने आमले का मुरब्बा और बेल के मुरब्बे की बात की थी, सो गाइस मेक श्योर बिफोर यू ईट दैट उसको अच्छे से वॉश कर लें पानी में, बिकॉज उनके ऊपर वो चाशनी होती है, दैट इज टू मच ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, हम वैसे भी नहीं खा सकते और इतना मीठा हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं है। सो जस्ट उसको वॉश कर लें एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट? ओके, सो बात करते हैं प्री वर्कआउट मील की। सो एज आई टोल्ड यू मेरा वर्कआउट हो गया है, सो आई हैव ऑलरेडी हैड माय प्रोटीन शेक, राइट? इन वाटर, पानी में लेते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पानी और दूध में क्या फर्क होता है, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन इट एंड मैं आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज आई हैव टू कंज्यूम इट बिटवीन 15 to 20 or 25 मिनट्स, वही बेस्ट टाइम होता है प्रोटीन इनटेक का। अब उसके बाद जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उसके साथ या उसके अल्टरनेट में लीन प्रोटीन ले सकते हैं, जिसमें आते हैं हमारे एग वाइट। सो एग वाइट इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन दैट वी हैव, यू कैन यूज दैट एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। अब हमारा प्रोटीन शेक हो गया है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड 2-3 डिफरेंट थिंग्स इन माई डाइट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए या वेट गेन के लिए चाहते हैं तो पोस्ट वर्कआउट के बाद बनाना शेक, बनाना शेक इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप वो बना के पी सकते हैं। उससे आपके मसल गेनिंग में, आपके वेट गेनिंग में, जिससे मतलब आपको अगर आपका वेट थोड़ा सा गेन हो जाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देन बनाना शेक इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। उसमें आप ओट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट? उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ आती है जिसमें हम फैट लॉस की बात करें या जिसमें हमें अपना वेट मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक हमारे पास क्विक रेसिपी है, तो चलिए ये देखते हैं। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं हमारी अगली मील की। सो व्हाट डू वी हैव हियर इज खीरा, हमने खीरा काट के रखा है, चॉप्ड टमाटो, टमाटर को चॉप करके रखा है, ये एक ही टमाटर है, ज़्यादा नहीं है, एंड चॉप्ड अनियंस पानी में भिगोए हुए हैं, अभी इसको पानी से बाहर निकाल लूँगा, एंड 4 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4। सो एज यू कैन सी हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम नमक और
काली मिर्च ऐड करेंगे। वी हैव एडेड नमक एंड काली मिर्च। और हाँ, ये है हमारी फैट लॉस की मील। और चीट डे वाले दिन यू कैन ऑल्सो यूज द सेम मील, पर इसमें कैलोरीज इंटेक बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे। टस्ट में मलाई के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। सो ऑन योर चीट डे यू कैन यूज द सेम मील एज योर चीट मील एज वेल बाय एडिंग मलाई टू इट। नाउ अ मिक्सचर इज रेडी, ब्रेड इज रेडी, हमारा टोस्टर इज रेडी। नाउ यू कैन सी द टोस्ट आर रेडी, हमारा कुकर भी शोर में जा रहा है। सो इन द प्लेट, इसमें आप अपनी मर्जी के साथ साथ में सॉस ऐड कीजिए, हरी चटनी ऐड कीजिए पुदीने की, टोटली योर वे। ओके गाइस, ये थी हमारी रेसिपी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ब्राउन ब्रेड आपके पास नहीं है या आप ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते तो इट्स ऑल राइट, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था नमक मिर्च डाल के, यू कैन ईट दैट एज वेल। या फिर आप अपना टमाटर प्याज और खीरा है या उसके अलावा कोई और आपने ब्रोकली या स्वीट कॉर्न्स ऐड करने हैं तो आप उसको एज अ सैलड के फॉर्म में भी खा सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी आर मील, जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा फैट्स कंज्यूम नहीं कर रहे, उसको मिनिमम लेवल पर रख रहे हैं ताकि जो हमारा फैट लॉस का गोल है वो हमारा properly maintained रहे, right? Okay guys, so ये था आज का वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मील 3 और मील 4 की बात करेंगे। अगेन इसमें हम बात करेंगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए, कि वेजिटेरियंस के पास क्या ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियंस के पास क्या ऑप्शन है, राइट? सो तब के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड लेट्स मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन।